अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे सिक्स क्लास का मैथ और यूनिट टू हमने स्टार्ट किया था होल नंबर्स का। अभी हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो एक्सरसाइज 2.2 में अगर आप अपनी बुक्स खोलें तो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं इस तरह से। ये एक्सरसाइज 2.2 है तो वो मैंने आपकी आसानी के लिए इधर व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं। 486 यानी 486 प्लस 732, इनको प्लस करना है आपने। तो ये बेसिकली वही सिंपल से क्वेश्चन है जो आपने 3, 4, 5 में किए हुए हैं। 6 को 2 से प्लस किया तो 8 आ गया, 8, 3, 11, 1 कैरी गया ऊपर और 5 और 7, 12, 12, तो 1218 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन माइनस का है, 811 माइनस 356। तो 811 हमने ऊपर लिखा, माइनस का सिंबल दिया, 356 इधर लिखा। अब आपको पता है कि 1 छोटा है, 6 बड़ा है, इधर भी 1 छोटा है, 5 बड़ा है। हमने क्या किया, यहाँ से एक कैरी किया तो ये 10 इधर गए और एक ये मिला के 11 हो गए। 11 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया। यहां से चूंकि हमने एक इधर कैरी कर लिया था तो यहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचा। इधर से एक कैरी किया तो यहां पर 10 आ गया, उस 10 में से ये 5 माइनस किया तो नीचे हमारे पास 5 आ गया। यहां पे चूंकि एक कैरी हमने इधर ले लिया है तो ये 8 की बजाय 7 रह गया। यहां पे 7 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। आगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 9 है जिसमें तीन रकमों की जमा लिखी गई है तो उसको हमने वर्टिकली लिख लिया, 650, 809 एंड ओनली 97। तो राइट साइड पे हमारे, अगर आपको याद हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप जाएं अपने माजी में, तो राइट साइड पे हमारे पास यूनिट्स होते हैं, फिर टेंस होते हैं, फिर हंड्रेड्स होते हैं, फिर थाउजेंड्स होते हैं, इस तरह से। तो यहां से इस तरफ को हम जमा करते चलते हैं। तो 9 और 7 को हमने जब प्लस किया तो 16 आ गया, जिसका यूनिट 6 हमने इधर लगाया और 10 का एक कैरी इधर ले गए। अब 1 और 5 6, 6 और 9 15, 5 हमने इधर लगा दिया, 1 अगेन कैरी ऊपर चला गया, 1 और 6 7, 7 और 8 15। ये इस तरह से आप इसकी जमा करते हैं, एडिशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें आपको एम्प्टी ब्लॉक्स दिए हुए हैं, क्या आपने एम्प्टी ब्लॉक्स फिल कर दें और प्लस का साइन है। अब यहां पे इस कंडीशन में आपने करना क्या है, ये नीचे आंसर है, जहां पे आंसर में ब्लॉक है वहां पर तो आप इन दोनों को जमा करेंगे और लिख देंगे, जहां पर ऊपर रकम में स्टेटमेंट में कहीं पर ब्लॉक है तो वो आप इसकी मदद से हल करेंगे। आप क्या करेंगे, जो ऊपर आपको दिया गया डिजिट है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 7 माइनस 3 योर आंसर वुड बी 4। 4 और 5 को प्लस करें तो आपके पास सीधा सीधा 9। इसी रूल के मुताबिक 2 को 9 में से माइनस कर दें, यानी 9 माइनस 2 दैट वुड बी 7। यह हमारा 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया है और इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ के। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि आपके पास कोई से दो डिजिट्स दिए गए हों तो उनको आप आपस में बदल कर अगर जमा करें तो जवाब आपका सेम आता है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब आप 4 को 6 में जमा कर लें तब भी 10 आएगा, आप 6 को 4 में जमा कर लें तब भी 10 आएगा, यानी 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। एसोसिएटिव लॉ है कि अगर आपके पास
दो से ज़ायद डिजिट्स की जमा हो और ऑन बोथ साइड्स सेम डिजिट्स दिए गए हों, तो आप कोई से दो डिजिट्स को उठा के पहले जमा कर लें और तीसरे के साथ बाद में जमा कर लें, तो दोनों साइड्स पे आंसर सेम आएगा। जैसे आपने यहां पर 2+3 को पहले सॉल्व किया है जबकि इस तरफ 3+4 को पहले जमा किया है, ये मतलब चूंकि ब्रैकेट्स में है इस वजह से इनको पहले जमा किया है, इधर ये ब्रैकेट्स में रखे हैं इसलिए इनको पहले जमा किया है, तो इन दोनों का मजमुआ 5, 2+3 = 5, 3+4 = 7, इधर 4 है, 5+4 = 9, 2+7 = 9, 2, 3, 4, 2, 3, 4 डिजिट्स आर द सेम, ब्रैकेट्स को में हमने दो होल नंबर्स को उठा के अलहदा किया, मीन्स उनको पहले जमा किया, ठीक है जी, और फिर तीसरे के साथ जो बाय था उसके साथ जमा किया, जवाब सेम है, इसको एसोसिएटिव ला कहते हैं। तीसरा इसमें कंसेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी का। एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली होती है जीरो, कि आप जीरो को किसी भी नंबर के साथ जमा करें तो आपका जवाब जो है वो सेम डिजिट ही होता है। 9 के साथ जीरो को प्लस करेंगे 9, 1 के साथ करेंगे 1, तो इसमें जो जीरो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। टू पॉइंट थ्री का पहला क्वेश्चन और इसका पहला पार्ट, 14+block = 9+14, ठीक है जी। अब अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, तो सिंपल सा काम है कि जो इधर ये मतलब सेम चीजें होंगी डेफिनेटली, तो जो इधर मिसिंग है वो उठा के इधर लगा दें, इधर इधर 9 दिया गया, इधर 9 नहीं दिया गया, 9 इसमें इंसर्ट कर दें, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद इसी का एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, हम नंबर 2 करके देख लेते हैं जी, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 2 करके देखते हैं। इसमें है 1+block और इसको हमने रखा है ब्रैकेट में, +2 = 4+2 और ये ब्रैकेट में, ठीक है जी। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास बेसिकली अगर आप एनालाइज करें तो आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 और 4, तो उसकी प्लेस को जानते हुए अगर लेट्स से इसको मैं फर्स्ट प्लेस करा दे दूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो जो चीज जहां मिसिंग है उसको उठा के वहां पे लगा दो, ये बड़ा आसान काम है। इधर नंबर 2 मिसिंग है, इधर नंबर 2 पे 4 है, इधर 4 लगा दे, अब इसकी बेस पे उधर फिलिंग कर लें, इधर नंबर 1 पे क्या है 1, 1 इधर लगा दे, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। इसमें कोई आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो लगा दें। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूफ एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें प्रूफ भी करना है और ये भी बताना है कि इसमें कौन सा लॉ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है, एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको। पहले पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 5+3 = 3+5, 5+3 = 8 on both sides, because this is the addition or sum of 2 digits same on the both sides, तो ये हमारी commutative property होगी, commutative law, ठीक है जी। अब एक ऐसा करवा देता हूं जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो,
नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर, सिक्स प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन, सिक्स प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन देन सिक्स प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन, यह हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहेंगे, ठीक है जी। इसमें इसको हम हल करेंगे, पहले नाइन एंड फिफ्टीन आर प्लस करें तो क्या आता है ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स, और इधर सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फोर एंड सिक्स थर्टी इज इक्वल टू थर्टी, हेंस प्रूव्ड, और इसका आपका लॉ बनेगा एसोसिएटिव। आपने इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, जो आपको वीडियोस में दिखाए जाते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, और बाकी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करें, और जहां पर आपको प्रॉब्लम हो, अगेन रिपीटिंग, हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप रब्ता करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं थ्रू वॉइस कॉल और वीडियो कॉल, एज यू आर इजी वी आर अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।